नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे निबंध का दूसरा ये वीडियो है, मौलिक रूप से निबंध लिखते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा एक निबंध का सैंपल दिखाएंगे, प्रौद्योगिकी और सामाजिक जीवन, क्या प्रौद्योगिकी एक अभिशाप है, जो टेस्ट अभी हुआ था, फर्स्ट टेस्ट हमारे टेस्ट सीरीज प्लान का। तो उसमें ये पहला निबंध है, जो बहुत सारे लोग जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं उनको भी समस्या हो रही थी आंसर राइटिंग में। तो एक सैंपल हम पूरा दिखा दे रहे हैं, उसके बाद तीन चार वीडियोस में और पूरी जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं निबंध में ध्यान रखने वाली, वो सारी बातें आप को शेयर करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। देखिए यहां पे छोटी सी गलती हो गई है, प्रौद्योगिकी में छोटी होनी चाहिए, यही छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निबंध के जो शिक्षक होते हैं वो हिंदी शिक्षक होते हैं, तो इनको ये चीजें छोटी छोटी बुरी लगती हैं। आइए देखते हैं, कंटेंट पे मेन आते हैं। पहले कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए आप एक फ्रेमिंग बनाएंगे। फ्रेमिंग बनाने के लिए आपके पास कंटेंट क्या क्या है और आपके पास माइंड में कहाँ कहाँ दिमाग जा रहा है, तो इसलिए 5 मिनट लेकर के शुरू में ही तीनों निबंध की फ्रेमिंग कर सकते हैं, या एक की भी कर लें, फिर एक लिखने के बाद दूसरी करें। तो इस पे हम प्रौद्योगिकी, कीवर्ड हमारा है प्रौद्योगिकी, दूसरा है सामाजिक जीवन, और लास्ट तीसरा है अभिशाप। ये तीन कीवर्ड्स हैं, इनको लेकर के हम फ्रेमिंग कर लेंगे। प्रस्तावना का एक फॉर्मेट ये हमने अभी दिया है कोटेशन के माध्यम से, आप इंग्लिश में भी कोटेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी छूट रहती है। कोटेशन वही लिखें जो ये मैच करे, जिससे या तो प्रौद्योगिकी पे हो या सामाजिक जीवन पे हो या दोनों पे हो। तो एंड्रू ब्राउन है या एक राइटर हैं, द इंटरनेट इज सो बिग, सो पावरफुल एंड पॉइंटलेस दैट फॉर सम पीपल इट इज अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ। ये इंटरनेट की महत्ता को दिखा रहा है हमारे जीवन में। तो इसी से हम कोटेशन को शुरू करेंगे और फिर प्रस्तावना का एक या दो पैरा लिखेंगे। जैसे यहां मैंने एक लिखा है सैंपल के लिए, आप लोग देख लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे विश्व से जुड़ना, विदेश में बैठे एक बेटे का अपनी माँ को रोज देखना, मात्र एक आवाज से कमरे के वातावरण का बदल जाना, यानी कि एसी स्टार्ट हो जाएगी आपके आवाज पे ही, सीरी से अनजान शहर में भी एड्रेस पूछ लेना। जो लोग आईफोन यूज किए होंगे उस सीरी के बारे में नहीं भी किए होंगे, सीरी तो काफी फेमस है, या गूगल भी लिख सकते हैं आप। देश दुनिया की समस्त जानकारी एक क्लिक पर पा लेना, ऐसा लगता है मानो हमारे हाथों कोई दैवीय शक्ति आ गई है। वास्तव में प्रौद्योगिकी का युग हमारी कल्पना से भी अधिक कल्पनीय है। तो एक फ्रेमिंग हो गई और थोड़ा अच्छे शब्दों का उपयोग हो और विषय से संबंधित हो। तो ये प्रस्तावना का एक छोटा सा भाग है, आगे भी देखेंगे। तकनीकी आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक या पर्यावरणीय, बिना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के संभव नहीं है। आधुनिक उपकरणों एवं तकनीक ने मानव सामाजिक जीवन पर असंख्य सकारात्मक प्रभाव छोड़े हैं। तो फ्रेमिंग हम कैसे करेंगे, पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरे नंबर पे आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में अभी आपने जब ऐसे देखा है तो क्या पूछ दिया, यहां पे क्वेश्चन है, तो इसके हम दोनों पक्षों को लिखेंगे, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और निष्कर्ष। सकारात्मक प्रभाव में जितने भी आयाम आ सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने आयाम आ सकते हैं जितने आप डाल दें शब्द सीमा के अंदर, और फैक्ट्स आपके पास हों तो आप जितने आयाम डाल सकें, उसके लिए एक फार्मूला है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कितने आयामों को जरूर डालना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आपके एसे में आने चाहिए,
जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें आप अपना सिलेबस याद कर लीजिए। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने सिलेबस के टॉपिक याद कर लीजिए पेपर वन से लेकर के पेपर फोर तक, और उतने आयाम आपको मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिया है यहां पे, आप देख लेंगे। तकनीकी का सामाजिक जीवन पर प्रभाव सकारात्मक, ये सकारात्मक प्रभाव है, मैंने ये ऐसे नहीं लिखा है, आपको पॉइंट फॉर्मेट में बता दिया है, प्रस्तावना लिख दी है और निष्कर्ष थोड़ा सा लिखा है। बीच में आपको मेन बॉडी जो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें फ्लो कैसे आएगा। तो तकनीकी का सकारात्मक प्रभाव जो है, ऐतिहासिक क्या क्या था, ऐतिहासिक में हम आएंगे हड़प्पा कालीन तकनीकी विकास जो कि मानवीय समाज पर क्या क्या प्रभाव डाला है। तो मूर्तिकला, मूर्तिकला में जो कांसे की मूर्ति पाई गई है और मिट्टी की मूर्तियां पाई गई हैं, कृषि पे चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं का साक्ष्य मिला है और सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, मनके का कारखाना, नगर निर्माण। मैंने यहां हिंट दिया है कि आप इतने से दो लाइन चार लाइन में बना के लिख सकते हैं। प्राचीन कालीन जो हमारे चिकित्सक हैं, चरक थे, आर्यभट्ट थे, जो जीरो का आविष्कार जिसने किया हो, जो भी आपको लग रहा है कि कोई भी तकनीकी विकास रहा है एंशियंट एरा में, वहां से ये फैक्ट आप डाल सकते हैं, वहां से एक छोटा सा पैरा बना लेंगे। मध्यकालीन नहर और नहरों का विकास और रहट सिस्टम जो है सिंचाई के लिए यूज की जा रही थी, और भी कोई आपके दिमाग में आए तो उसको आप लिख सकते हैं। अकबर के शासनकाल का कोई विकास आ रहा है, सल्तनत युग में क्या विकास हुआ, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, कुछ भी, मतलब एक पैरा आपको, एक से डेढ़ पैरा आपको ऐतिहासिक उल्लेख करना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, और ये मैंने पॉइंट दे दिए हैं, पश्चिमी वैज्ञानिकों का नाम आप आइंस्टीन का, न्यूटन का डाल सकते हैं, मतलब एंशियंट से लेकर के मॉडर्न एरा तक जो भी विकास हुए हैं, जो समाज में परिवर्तन लाया, समाज में सकारात्मक प्रभाव लाया हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भौगोलिक विस्तार दूसरा पॉइंट है, ये 8-10 पॉइंट में आप लिखेंगे। दूसरा भौगोलिक विस्तार, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने के बाद आप देखेंगे कि जबकि नाव का विकास हुआ, वास्को डी गामा यहां आया, तो तकनीकी के ही विकास के कारण वास्को डी गामा भारत आया, और आज के युग में हम एक ग्लोबल विलेज की परिकल्पना जो करते हैं वो संचार के माध्यम से ही, जो संचार के माध्यम है उन्हीं के द्वारा हम एक पूरे विश्व को एक गांव की तरह समझते हैं। हमें किसी भी एरिया में जाना हो, कहीं भी किसी का लोकेशन देखना हो, कुछ भी करना हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगली इस पे आप एक पैरा लिखेंगे, ग्लोबल विलेज की अवधारणा, ये सामान्य सी चीज है। आपके टेक्नोलॉजी में क्या क्या विस्तार हुए हैं, जैसे कम्युनिकेशन में विस्तार हुआ है, तो उसके द्वारा हम एक क्षेत्र से दो क्षेत्र तक कभी भी चले जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में विस्तार हुआ है, तो आप चाहें तो आज यहां है, कल अमेरिका रहे, तो इन सब चीजों को आप अपने मौलिक शब्दों में लिखेंगे। सामाजिक समरसता का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में हम सोशल मीडिया, यातायात के माध्यम, एक दूसरे वर्गों की परंपरा एवं त्योहारों में भागीदारी, ये सामाजिक समरसता पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तकनीकी का। कृषि का विकास, वो भी समाज पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, आधुनिक उपकरण, जो भी हार्वेस्टर वगैरह का जब से विकास हुआ है, जब से हाइब्रिड बीज आए हैं आपके रिवोल्यूशन में, एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन, उसमें हाइब्रिड बीजों का बहुत बड़ा योगदान है, वो भी तकनीकी का ही काम, उसको भी आप डाल सकते हैं। एक देश से दूसरे देश की तकनीकी साझेदारी पे बहुत तेजी से बल दिया जा रहा है, वहां की कृषि पद्धति को, एक दूसरे देश की कृषि पद्धति को अपनाया जा रहा है, जिसमें अभी इजराइल का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे आपका पीटी का जो पढ़ा हुआ काम आएगा कि अभी जो नेतन्याहू जी आए थे तो उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया भारत से और इसराइल पे, कृषि पे संबंधित क्या एग्रीमेंट हुआ है, कृषि उपकरण से संबंधित क्या एग्रीमेंट हुआ है, उसको यहाँ फैक्ट के रूप में डाल सकते हैं। सांस्कृतिक समझ का विकास हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी हेरिटेज स्थल हैं
चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हृदय में तो पूरे हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन थीम आधारित जो 15 कल्चरल सर्किट बनाए गए हैं उसके बारे में, चाहे वो सूफी सर्किट हो, सिख कॉरिडोर अभी घोषणा की गई है कल परसों, और हिंदू जितने भी धार्मिक स्थल हैं, रामायण सर्किट है और जो भी है ट्राइबल सर्किट है, जैन सर्किट है, तो बौद्धिस्ट सर्किट है, तो ये सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक समझ, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को समझने के लिए तकनीकी यातायात के साधनों का विकास हुआ है, तो इसमें तकनीक का योगदान है। वैश्विक सांस्कृतिक मेले का आयोजन, जो सांस्कृतिक मेलों का आयोजन अब तेजी से हो रहा है, जैसे कुंभ मेला, इसमें बहुत सारे देशों से लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे आएंगे, वो विजिटर्स आएंगे, यहाँ पे पर्यटक आएंगे, आगरे ताजमहल को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो हम जाते हैं एफिल टावर देखने, तो सांस्कृतिक समझ का भी विकास हुआ है, वहां के मंदिरों को मस्जिदों को देखने के लिए जो पर्यटन जो डेवलपमेंट हुआ है, ये तकनीकी का ही बहुत बड़ा रोल है इसमें। वित्तीय समावेशन, एक पॉइंट आप जरूर डालिएगा, ये वर्ड आपके एस्से में, कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं आपके एस्से में जरूर रहने चाहिए, जैसे पहली बात हो गया कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे पर्यावरण, पर्यावरण में सतत विकास, ये बहुत ही गूढ़ चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत मौलिक चीजें, बहुत कम लोग करते हैं, आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये पूरा फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा और थोड़ा समझ अपनी विकसित करिएगा कि जो भी डायनेमिक ऐसे होते हैं, खास करके जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं या तकनीकी से, अर्थव्यवस्था से, आपदा प्रबंधन से, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, साहित्यिक को छोड़ करके आप बहुत सारे डायमेंशन हैं, आपके पास पूरा ओपन फील्ड रहती है। साहित्य में थोड़ा सा लिमिटेड होता है, उसको भी हम सिनेमा से और चीजों से जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपके ऐसे में जरूर होनी चाहिए। पहला वित्तीय समावेशन, दूसरा ग्लोबल कोई विलेज हो, लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिख दीजिए, तीसरा आपको एथिकल वैल्यूज, जो एथिक्स का पोर्शन है वो आपके एस्से में जरूर दिखना चाहिए, एस्से में एथिकल वैल्यूज जरूर होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चौथा है, ये सतत विकास आपके एस्से में, ये चार कीवर्ड्स तो एकदम याद रख लीजिए कि इसको रहना ही रहना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारी चीजें तो आप, प्रशासनिक, तकनीकी, ये पांच वर्ड तो हो ही गए, बाकी चार ये कंपलसरी हैं। आपके ये कीवर्ड्स देखते ही और भी कोई अच्छा कीवर्ड्स इस समय चर्चा में हो उसको डाल दीजिए, उससे लगेगा कि आप अपडेटेड हैं। दूसरी चीज है कि आप पूरे अपने सिलेबस को याद कर लीजिए, पहला हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, दूसरा जब आएंगे तो आप सोशल इश्यूज से जुड़े हुए मुद्दे, फिर महिला विमर्श, वृद्धजन, विकलांग, उसके बाद आप आएंगे तो पॉलिटी में, पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा गवर्नमेंट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से क्या संबंधित है, उसके बाद आप वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़िए किसी भी चीज को, वैश्विक समाज से जोड़िए किसी भी चीज को, उसके आगे आप आएंगे तो आप पूरा सिलेबस देखते जाइए पेपर वन से लेकर के पेपर फोर तक। उसके बाद आएंगे आप तकनीकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके बाद अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, उसके बाद आप महिला संबंधी मामले हो ही गए, उसके बाद आप आएंगे तो नैतिकता, मूल्य, आपके ये सारे मुद्दे, सारे आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और भी जो चीजें आपको लगे, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि आप हम लोगों के साथ 10 एसे लिख लेंगे टोटल, हम लोग 20 एसेज कराएंगे जिसमें 15 एसे आपको खुद लिखना होगा और बाकी 5 ऐसे पे हम लोग फ्रेमिंग देंगे। इतना ऐसे लिखने के बाद मैं गारंटी बता रहा हूं कि आप एग्जाम में बैठेंगे, आपकी पेन दौड़ेगी, आपके पास इतने आयाम होंगे, आपके पास इतने, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। आपका इसी ऐसे में आप देख लीजिएगा,
आप अगर ईमानदारी से इसको देखेंगे इस वीडियो को, तो आपकी समझ में आएगा कि ये क्या क्या किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। मैक्सिमम लोगों को समस्या थी, पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी तकनीकी की वजह से आई है। कैसे आई है? जब भी आप कोई स्टेटमेंट देंगे कि अच्छा पर्यावरण में प्रदूषण में कमी आई है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब आप जबरदस्ती की बातें करते हैं, जबरदस्ती घुसा देते हैं। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, उसको फैक्ट से तुरंत वहां पे तुरंत अपने फैक्ट दे दीजिए। पेपरलेस टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई है, आप कितना प्रिंट आउट अब करा रहे हैं। पहले प्रिंट आउट बहुत ज्यादा होते थे, पहले टाइपिंग होती थी उस पे, आपके जो मशीन होती थी उस पे टाइपिंग, टाइपिंग मशीन पे होती थी। अब टाइपिंग मशीन का भी बन गया है, जमाना चला गया, अब टाइपिंग पूरा कंप्यूटर पे होती है, तो कितना पेपर की बचत होती है। तकनीकी ने क्या किया है, पेपरलेस, जितना पेपर बचेगा उतने कम पेड़ कटेंगे, संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ा है तो हम क्या करते हैं कि कम मेट्रो, अगर मेट्रो आई है दिल्ली में तो प्रदूषण में कमी आई है, क्योंकि लोग अपने वाहनों को छोड़ के जाते हैं, पार्क करके ऑफिस जाते हैं। तो हर चीज को लॉजिकली आप प्रूव करिए। आप कुछ भी लिख रहे हैं उसके साथ फैक्ट दे रहे हैं, तो वो अगर तार्किक है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दीजिए, तार्किक है तो वो ऐसे आपका सही है। सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान, सोशल मीडिया, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत आपको मिल जाती है। रिजल्ट आया नहीं आया, आने वाला है, आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर आपके पास रिजल्ट की पीडीएफ पहुंच जाती है। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, पहले लोग जाते थे और आयोग पे लाइन लगाते थे, दिन भर खड़े रहते थे, शाम को वहां रिजल्ट आता था तो मैनुअली देखा करते थे। तो सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान होना, आपको रिजल्ट आने वाला है, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, मैच हो रहा है, तो मैच देखने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, आज देखिए इंटरनेट पे आप कहीं भी मैच देख सकते हैं। तो अंधविश्वास में कमी, तकनीकी विकास से क्या हुआ है कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। जैसे ट्रिपल तलाक का उदाहरण जरूर दीजिए कि सूचनाओं के अंधविश्वास में भी कमी आई है। जो जादू टोना, पहले मदारी, ये सब चीजें, जादू के बहुत सारे मेले लगते थे, अब वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ने के बाद लोग एक दूसरे की बातों को भी जान गए हैं। इसको कहीं भी किसी भी तरीके से प्रूव कर दीजिए। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मीटू कैंपेन है, जो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं था। ये डिजिटल जो सोशल मीडिया है, इसी के माध्यम से ही महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मंत्री तक इस्तीफा दे सकते हैं, कितने करोड़ों करोड़ों का क्लेम हो रहा है। तो ये महिला सशक्तिकरण में, हालांकि इसका दुरुपयोग है वो आगे हम दिखाएंगे नेगेटिव में, लेकिन इसका तकनीकी उपयोग क्या क्या है, सकारात्मक पहलू है, पहले हम वो काउंट करेंगे। नादिया मुराद, नादिया मुराद को कौन जानता, आज ये तकनीकी वर्ड नहीं होता तो नादिया मुराद जैसी हजारों महिलाएं जो हैं उनके साथ शोषण हुआ है, उनको कोई नहीं जानता, आज प्राइज दिए जा रहे हैं, उन पे काम किया जा रहा है। मलाला यूसुफजई को कौन जानता, हजारों लड़कियां हत्याएं कर दी जाती हैं पाकिस्तान में, शिक्षा के नाम पे, भ्रम उसके नाम पे, अपने रूढ़िवादिता के नाम पे, लेकिन ये तकनीकी का ही कमाल है। वो ब्लॉग लिखती थी लड़की, तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ब्लॉग के माध्यम से वो फेमस हुई, उसके बाद उस पर हमला हुआ, उसको संरक्षण मिला ब्रिटेन में, उसके बाद उसने तेजी से ब्लॉग लिखना और शुरू कर दिया। तो इन चीजों को मैंने लिखा है तो कहीं ना कहीं से तार्किक रूप से उसको सिद्ध भी किया है, तो ये आप देखिएगा जरूर। आपदा प्रबंधन, सुनामी, साइक्लोन, भूकंप चेतावनी प्रणाली जो डेवलप हो गई है, बाढ़ चेतावनी प्रणाली डेवलप हुई है, SMS आ जाते हैं, रेस्क्यू सिस्टम्स आ जाते हैं, तुरंत NDRF की टीम आ जाती है आपको बचाने के लिए। कोई भी आपदा होती है, दुर्घटना होती है, तो तुरंत सूचना पहुंच जाती है, चाहे रेलवे में हो, चाहे बाढ़ की हो, चाहे लू की हो। आपका हमारा आजकल इतना तेजी से जो मानसून विभाग काम करता है कि हमें पहले से ही पता होता है कि भारी बारिश होने वाली है,
तो उससे पहले हम बच जाते हैं। इन सब चीजों को तुरंत फैक्ट से प्रूव करिए। सामाजिक मूल्यों का विकास, अब केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ऑनलाइन भुगतान बहुत तेजी से हुए। इससे पहले लोग चाह कर भी डोनेशन नहीं दे पाते थे, लोग धोखाधड़ी भी करते थे, यहां से केरल के नाम पे चंदा ले जाते थे, वहां किसी और को। आप अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अकाउंट में जो उनका फंड होता है, उनका जो उसके अकाउंट में डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, आपदा प्रबंधन के आपदा फंड में ही जाएगा सीधे। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आसिफा का केस में अब झूठ हो या सच हो, लेकिन हमें उदाहरण देना है। बहुत सारा जो उनकी वकील हैं, उनको बहुत सारा अनुदान मिला था, यहाँ पे भारत में भी विश्व से भी। केरल बाढ़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब आसिफा थोड़ा विवादित हो जाता है, इस वजह से आपका मन करे तो लिखिए, लेकिन तार्किक रूप से हमें उसे सिद्ध करना है। जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज लिख ही दें, ये आपको सोचना है कहां से क्या करना है। शिक्षा के माध्यमों में विकास, ऑनलाइन क्लासेस, आज आप YouTube से पढ़ रहे हैं, ये पहले 2 साल पहले संभव नहीं था, 3 साल पहले। Facebook द्वारा बहुत बड़ा अभियान, एक शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम आप लिखिए, यही आपसे पीटी का जो भी आपने पढ़ा है उसका सदुपयोग करिए। और भी कोई, गूगल ने कैंपेन चलाया है, सरकार चला रही है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं बहुत सारे, अब तो ऑफलाइन से ज्यादा लोग ऑनलाइन फोकस कर रहे हैं। तो शिक्षा के माध्यमों में विकास हुआ, ये समाज में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि बहुत सारी जो महिलाएं थी वो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जाती थी। अब क्या है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी आप ऑनलाइन वीडियो के थ्रू समझा सकते हैं उनके क्या क्या, जैसे छोटे डॉक्टर हैं बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बीमारियों के बारे में। तो ये टेलीमेडिसिन जो है खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बड़ी क्रांति लाया है, और भारत का बहुत बड़ा योगदान है इस पे। बहुत हजारों लोगों को वहां पे शिक्षा दी जा रही है, नर्सों को ट्रेन किया जा रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग के द्वारा। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। लेजर तकनीकी का विकास हुआ है, उसके द्वारा बड़े से बड़ा ट्यूमर, अभी देखिए कि सोनाली बेंद्रे हैं, युवराज सिंह हैं, ये लोग इतनी बड़ी भयंकर बीमारियों से उबर आए। ये समाज में बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते हैं एक दूसरे, मतलब जीवन की रक्षा करना है समाज का सबसे बड़ा। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारे एग्जाम्पल्स आप जरूर डालेंगे, और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपके पास समय सीमा है, तो आप एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन जितना भी लिख पाए। ये मैंने फ्रेमिंग ही किया है तो लगभग 700 वर्ड हो गए होंगे, क्योंकि मैंने 4 पेज में फ्रेमिंग किया है तो मैं 150 वर्ड करीब लिख लेता हूं, तो हो जाएगा उस 600 के आसपास वर्ड फ्रेमिंग में ही। आपको दिखाने के लिए मैंने इतने आयाम डाले हैं, क्योंकि इतने आयाम आप डाल नहीं पाएंगे एग्जाम में। लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं, आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। कैसे? जो फेंसिंग हुई है अभी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, आंतरिक जो सिस्टम है, अभी देखिए कि मुंबई हमले के बाद सरकार इतना सचेत हो गई कि अभी तक हमला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी चीजों को और भी अपडेट कर रहे हैं। सूचना जो हमारा तंत्र है, आईबी है चाहे रॉ है, उसके माध्यम से हम उसको सशक्त बना रहे हैं। एक ध्रुवीय विश्व जो की ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है, अब रूस अमेरिका का उतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया है, ये संचार माध्यम के ही कारण से, तकनीकी के ही विकास के कारण से हुआ है। आतंकवाद और नक्सलवाद में कमी आई है, हम ट्रेस कर ले रहे हैं, हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रहे हैं, ये तकनीकी विकास से ही संभव हो पाया है। नक्सलवादियों को ट्रेस करके उनके साथ समझौते की भी बात चल रही है, या तो उन्हें जो भी सजा दी जाती है वो किया जाता है, ये तकनीकी विकास के ही कारण हुआ। अब हमने पॉजिटिव पॉजिटिव सारा लिख दिया, उसके बाद एक पैरा छोटा सा लिखेंगे कि इन विकास, या तो आप एक कोटेशन डाल सकते हैं, कोटेशन हमारे पास बहुत सारे हैं, अभी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे कोटेशंस दे देंगे। तो इसके बाद आप सीधे ये लिखिए, टेक्नोलॉजी इज यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। हम तकनीकी के गुलाम हो जाएंगे तो ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कोटेशन आप बीच में डाल दीजिए, या ये भी डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी इज ऑफ कोर्स ऑफ डबल एज सॉर्ड, फायर कैन कुक
आवर फूड बट आल्सो बर्न अस। तो ये सीएल लैंग और जैसन सिल्वा का स्टेटमेंट है, इनके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। सीएल लैंग कौन थे, तो अगर उसके साथ आप लिखेंगे कि सीएल लैंग महान पत्रकार या फिल्म मेकर के द्वारा ये कहा गया है, वेनेजुएला से हैं ये, और जैसन सिल्वा के बारे में आप जान लीजिए, इनके बारे में जान लीजिए, उनका नाम दे करके लिखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, तो वो आपका जो कोटेशन है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो इसको डालने के बाद हम लिखेंगे कि जो हमें सकारात्मक तो प्रभाव पड़ा है उसके साथ बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं, जो कि निम्नवत हैं, या पैरा में लिखिए या हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास इतने फैक्ट हैं तो आप आराम से हेडिंग में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत व्यस्तता, अब मनुष्य क्या है कि अपना 40-50% समय जो है फोन पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर दे रहा है, इससे समाज में एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है उसमें कमी आ रही है, कम्युनिकेशन गैप बन रहा है एक दूसरे में, कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए, उल्टा कम्युनिकेशन गैप बन गया है, कि आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे मित्रों की महीनों महीनों बात नहीं हो पाती है, इसको आप डाल दीजिए। सामाजिक आयोजनों में कम भागीदारी, लोग ऑनलाइन न्योता भेज रहे हैं, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र आपको व्हाट्सएप पे कार्ड भेज देंगे, आपके घर नहीं आएंगे, वो पहले हल्दी लेके लोग आते थे, मिलते थे। ऑनलाइन शुभकामनाएं भी, आप भी कम नहीं है, आप भी ऑनलाइन ही शुभकामना देके शादी में नहीं गए, भाई कहीं बिजी थे, ये था वो था, बहुत सारे काम हो जाए। तो सामाजिक आयोजन जो भी है, मेलों में अब गांव में लोग नहीं जा रहे हैं, शहर से गांव में जाना, या गांव में ही लोग हैं तो मेलों में नहीं जा रहे हैं, मेलों में जो पहले एक, ये सारे जो भी आयोजन होते हैं सामाजिक आयोजन, वह बहुत बड़े योगदान, बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं समाज के विकास में। आप जाएंगे, आप चार लोगों से मिलेंगे, बातचीत होगी, आपका मानसिक शारीरिक जो भी होगा विकास होगा, ये सारी चीजें कम हो रही हैं, ये समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। साइबर क्राइम, इस पे तो आपको बताना ही नहीं है, साइबर क्राइम में बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं, हैकिंग है, व्यक्तिगत डेटा चोरी है, साइबर बुली है, ऑनलाइन फ्रॉड है, आप बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्राइम हो गए हैं, आपको फोन करके आपके पैसे निकाल लिए जाएंगे आपके अकाउंट से, आपको पता नहीं चलेगा, आधार कार्ड का डेटा लीक हो रहा है, पूरा डेटा पे ही, डेटा इज मनी नाउ, आज के युग में डेटा जो है वो मनी है, और डेटा साइंटिस्ट और डेटा हैकर जो है आपकी आपकी पूरी लाइफ ही चुरा सकते हैं आपसे। व्यापार, जो पारंपरिक व्यापार में बहुत सारी कमी है, जैसे आप आज देख रहे हैं कि तकनीकी विकास से जो है कैंडल्स और ये जो छोटी छोटी बत्तियां अब मिलने लगी हैं, चाइनीज जो झालर मिल रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो कुम्हार हैं हमारे उनके दिए कम बिक रहे हैं। हस्तशिल्प से बनाए गए जो बनारसी साड़ियां हैं उनकी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि अब सिंथेटिक साड़ियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। खुदरा व्यापारी जो छोटे छोटे हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, क्यों, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। तो तकनीकी विकास से ये नुकसान भी है। सेक्स अपराधों में वृद्धि हुई है, एमएमएस स्कैंडल, आप रागिनी एमएमएस देखे ही हैं पूरी मूवी, और भी बहुत सारे नेताओं के एमएमएस आते रहते हैं। पोर्नोग्राफी, जो इलीगल पोर्नोग्राफी है, बच्चों को पोर्नोग्राफी है, इससे समाज पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि, ये तो सबसे बड़ा रोल है, इसको आप ज्यादा करके लिख सकते हैं। हेट स्पीच का सोशल मीडिया पे तुरंत प्रचार हो जाता है, गलत सूचनाएं तुरंत धड़ल्ले से हमारे ग्रुप में भी आने लगती हैं, लोग उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, देखते नहीं है, सोचते नहीं है क्या है, 50 ग्रुप में भेजो, नहीं तो आपको दिन अशुभ हो जाएगा, लोग 75 ग्रुप में भेज देंगे। तो ये चीजें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन ये सब जो आप बताएंगे उसके साथ तुरंत फैक्ट भी दे दीजिए। तो मुजफ्फरनगर दंगा पूरा ऐसे ही गलत सूचना पे हुआ था, बेंगलुरु में आसाम के नागरिकों को हटाया जा रहा था, तो अचानक से 5,000 आसामी जो है, मणिपुर या आसाम थे, जो भी होगा आप देख लीजिएगा, 5,000 स्टूडेंट्स स्टेशन पे आ गए, क्योंकि वो वीडियो जो थी सुनामी के टाइम की वीडियो, और दिखाया जा रहा है अब कोई भी वीडियो में कोई भी एडिटिंग करके आपको भेज देगा, आपको समझेगा कि ये आप गलत ही हो रहा है। मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं इधर बढ़ी हैं, तो मोहम्मद अखलाक दादरी वाला केस, जो बी फ्रीमर था, उसके बारे में आप लिख सकते हैं।
मॉब लिंचिंग पे कमेटी भी गवर्नमेंट बनाई है। तो आप इस फैक्ट को, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी, ऐसा रूमर नहीं था, वो मुस्लिम था, वो हिंदू था, तो आप, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से यहां मतलब नहीं है। आप कोई भी इससे लिख रहे हैं उसको फैक्ट से, अगर मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट कमेटी क्यों बनाई? बस गवर्नमेंट कमेटी बनाई, मॉब लिंचिंग में वृद्धि हो रही है, ये डेटा भी बता रहे हैं। असहिष्णुता में वृद्धि, अवार्ड वापसी का केस, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो नहीं, थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला है तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन असहिष्णुता में वृद्धि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई है, लोग एक दूसरे को गलत सूचनाएं दे रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। फेक न्यूज पता ही है, फेक न्यूज कितनी तेजी से, इस पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा विचार कर रही है और इस पे कमेटी भी बनने वाली है और एक नॉर्म्स भी आने वाला है, शायद लागू भी हो गया है कुछ चीजें। आंतरिक सुरक्षा को खतरा, कसाब केस, मुंबई हमला देख ही रहे हैं आप, मुंबई हमले में बहुत ज्यादा तकनीकी यूज से वो सब आए थे, कैसे आए समुद्र के रास्ते और कैसे यहाँ पे घुसे, ये आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा था। जो हमारी सैन्य सेवाओं में लोग पाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी वाले काम कर रहे हैं, वो सब भी खतरा है आंतरिक सुरक्षा को। अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद में तेजी से वृद्धि हुई है, आईएसआईएस के पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि आपके पास नहीं होंगे, बड़े बड़े देशों के पास वैसे वैसे हथियार नहीं है जितने आईएसआईएस के पास है। तो हथियारों का इतना तेजी से विकास मानवीय समाज में बहुत बड़ा अपराध बना रहा है, तालिबान ही है, लश्कर-ए-तोयबा है, ये सब उदाहरण आप अपनी क्षमता अनुसार अपने जानकारी अनुसार डाल सकते हैं। डिजिटल गैप में काफी वृद्धि हुई है, गरीब देशों और विकसित देशों में बहुत बड़ा गैप है, तो इसका डेटा भी हमने इकट्ठा किया है जितना हो पाया है, और आगे एक कॉपी है मेरी मिल नहीं रही है, उसमें भी काफी सारे डेटा हैं। नैतिक मूल्यों में कमी है, अब नैतिक मूल्यों में कमी आई है, कैसे आई है? मरते हुए सैनिक का वीडियो कौन बनाया भाई? आतंकी संगठनों द्वारा गला काटते हुए, गोली मारते हुए लोग वीडियो बना लेते हैं। एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे, लोग पहले उसका वीडियो बनाएंगे या फोटो खींचेंगे, ये नहीं कि उसको एडमिट करा दें। क्षेत्रीय भाषाओं का विलुप्त होना, ये सब भी आप डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी सिनेमा है, अभी वृद्धजन हैं, उनका देखिए एकल परिवार की अवधारणा का विकास हो रहा है तेजी से, तकनीकी जितना बढ़ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग कहाँ रह रहे हैं पता नहीं, रात में नौकरी करते हैं दिन में आते हैं, उनका पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, टेली कॉलर हो गए, कॉल सेंटर में केपीओ, बीपीओ, एपीओ सारा डाल दीजिए, जितना आपको टेक्निकल वर्ड समझ में आए सब डालिए तकनीकी में। वृद्धजनों की समस्या, ओल्ड एज होम में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि एकल परिवार की अवधारणा बन रही है, लोग अपने बाप को ही घर से निकाल दे रहे हैं। नशाखोरी, नई नई दवाएं, स्टेरॉयड, ड्रग्स, ये सब तकनीकी विकास के ही कारण हो रही हैं। अब उड़ता पंजाब पूरा देखे ही हैं, वो पूरा कार्टल है हथियार का, आप अफीम जो गोल्डन ट्रायंगल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अमेरिकी देशों में हथियारों का इतना मिसयूज होता है, साथ साथ वो ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स, हथियार और पैसा, ये तीनों राजनेता ये सारे मिलके एक कार्टल चलाते हैं, वो सब तकनीकी विकास का ही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कटता आई है, वन बेल्ट वन रोड के कारण भारत चीन पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन का विकास हो रहा है ये तकनीकी विकास ही है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की समस्या है जो, और ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट कार्यक्रम की वजह से अमेरिका कितना हस्तक्षेप कर रहा है, बम जो बन रहे हैं, न्यूक्लियर बम बन रहे हैं, जो हमला किया गया जापान पे, ये सारे एग्जांपल आप डाल सकते हैं। पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ रही है, ई कचरा बढ़ रहा है, अंतरिक्ष कचरा बढ़ रहा है, मेडिकल वेस्ट बढ़ रहे हैं, अनियोजित बांध निर्माण, जंगलों का कटना, असुरक्षित कृषि उत्पाद, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता, एडल्ट्रिंग हो रही है दूध में, खाद्य तेलों में, ये सारा समाज पे इतना गहन प्रभाव डालेगा कि अभी WHO की कुछ रिपोर्ट थी, पता नहीं वो सही थी कि गलत थी, कल ग्रुप में, कल या परसों कोई ग्रुप में डाला था, जिसमें बोल रहा है कि 30 साल बाद 70% या कितने परसेंट लोग को कैंसर हो जाएगा। ये सही चीजें हैं, हम सांस ले रहे हैं तो पता नहीं सही हवा है कि गलत हवा है, अब तो हवाएं भी बिकने लगेंगी। बीमारियों में वृद्धि हो रही है, अजीब अजीब बीमारियां हो रही हैं, चाहे आप जीका वायरस देखिए, चाहे कोई भी, अभी जितने भी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, पर्यावरण नुकसान हो रहा है, उस पर बीमारियों में वृद्धि हो रही है,
अब ये सारा सारे मुद्दे हो गए हैं लगभग, आप कुछ और भी डाल सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा आप डाल नहीं सकते। आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि हम कितने आयाम ले सकते हैं, ये ही हमारा मेन मकसद था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये बताते नहीं हैं, चूंकि जानते हैं एग्जाम में लिखते हैं, लोग बताते नहीं, चूंकि ये सबका मौलिक होता है, ये हमें कोई सिखा नहीं सकता, ये आप खुद सीख सकते हैं। और जिसको एबीसीडी भी नहीं आती हो लिखने की, मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप लिख के हमें भेजिए, चाहे आप सीरीज ज्वाइन किए या नहीं ज्वाइन किए, मैं चेक कर देता हूं, समय रहेगा तो चेक कर दूंगा। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने सिर्फ शुल्क रखा है, नॉमिनल शुल्क है, 2500 रुपए में कोई आपको टेस्ट नहीं कराएगा, हम 26 टेस्ट करा रहे हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी इज ऑफ कोर्स, ये कोटेशंस हैं। इसके बाद एक और जानकारी है, डेटा फैक्ट्स यूज करने के लिए आप क्या कहां यूज कर सकते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट है ग्लोबल डिजिटल सूट्स, उसमें विश्व में इंटरनेट प्रयोग करने वाली जनसंख्या 4 बिलियन है, टोटल इस समय जनसंख्या हमारी 7 बिलियन के आसपास है, और उसमें 4 बिलियन लगभग 53% जनसंख्या इंटरनेट यूज कर रही है, और पर ईयर ग्रोथ जो है 7% का है। विश्व में सोशल मीडिया प्रयोगकर्ता जनसंख्या जो है 3 बिलियन है, जिसमें 13% ग्रोथ जो है पर ईयर का है, और ये टोटल कुल जनसंख्या का 42% है। मोबाइल प्रयोगकर्ता जनसंख्या विश्व की 5 बिलियन है, जिसमें 13% का ग्रोथ रेट है, 68% ये टोटल पॉपुलेशन की जनसंख्या मोबाइल यूज कर रही है, सोचिए कितना तेजी से विकास हो रहा है। विश्व में मोबाइल पर सोशल मीडिया प्रयोगकर्ता 2.9 बिलियन है, जिसमें 39% है ये। इंटरनेट पेनिट्रेशन यूरोप में 90%, नॉर्थ अमेरिका में 88%, ऑस्ट्रेलिया में 69%, साउथ अमेरिका में 68%, वेस्टर्न एशिया में 65%, ऑस्ट्रेलिया में 69%, वेस्टर्न एशिया में 65%, साउथ ईस्ट एशिया में 36%। ये IAMI है, इंडियन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 500 मिलियन लोग भारत में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिस जो टोटल जनसंख्या का 56% है, जिसमें 62% अर्बन है, 53% रूरल है, और फीमेल जो है इसमें 30% है। ये सारे डेटा आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। विश्व की 23% जनसंख्या ऑनलाइन शॉपिंग करती है, 1.77 बिलियन जनसंख्या ऑनलाइन शॉपिंग करती है, और ये सारे डेटा लेटेस्ट हैं 2018 के। उसके बाद कुछ कोटेशंस हैं, 15-20 कोटेशंस हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में भी हम जल्दी दे देंगे आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप कोटेशंस हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, कोटेशंस का कोई ऐसा नहीं मापदंड नहीं होता, तो कुछ कोटेशंस आप रट लीजिए, कुछ जो अच्छे कोटेशन है मैं बता दे रहा हूं आपको। सक्सेस इन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर आ सकता है ऐसे। अनफॉर्चुनेटली इट माइट ऑल्सो बी द लास्ट अनलेस वी लर्न हाउ टू अवॉइड द रिस्क, मतलब कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब विश्व का सबसे अच्छी खोज होगी, सबसे बड़ी खोज होगी, लेकिन ये सबसे अंतिम खोज भी हो सकती है, जैसे कि रोबोट में आपने देखा, रोबोट 2 अगर कोई देखा होगा तो और अच्छे से समझा होगा। तो ये रिस्क बताया गया है साइंस का, टेक्नोलॉजी का। वन मशीन कैन डू द वर्क ऑफ 50 ऑर्डिनरी मैन, नो मशीन कैन डू द वर्क ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, तो एल्बर्ट हुबार्ड है, ये स्टीफन हॉकिंग का स्टेटमेंट है। तो बड़े बड़े जो भी लोग हैं उनके स्टेटमेंट को आप कोट करके बहुत अच्छी अच्छे ऐसे लिख सकते हैं। द इंटरनेट इज सो बिग, ये मैंने लिखा ही था शुरू में ही, एंड्रू ब्राउन है। साइबर स्पेस कांट कंपनसेट फॉर रियल स्पेस, वी बेनिफिट फ्रॉम चैटिंग टू पीपल फेस टू फेस, जोनाथन सैक्स हैं, इन्होंने कहा है कि जो हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं उसको कभी भी उसकी भरपाई चैटिंग के द्वारा या फोन के द्वारा नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी इज यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, ये आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर दे सकते हैं, क्रिश्चियन लोस लॉन्ग का यह स्टेटमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड और इविल इन एंड ऑफ इट्स सेल्फ,
यह खुद में ना तो बुराई है ना अच्छाई है, इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपुल चूज टू यूज इट। आप कैसे यूज करते हैं, आपके लिए इंटरनेट फायदेमंद भी है, आपके लिए यूट्यूब फायदेमंद भी है, लेकिन आप इस पे मूवी देखें दिन भर तो इसके लिए नुकसानदायक भी है। टेक्नोलॉजी इज ऑफ कोर्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और भी है, साइमन मेनस्ट्रॉमिंग का है, ये मिक कैपर का है, अरविंद गुप्ता का है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा, आर्थर सी क्लार्क का है, स्टीव जॉब्स का है, ये अच्छा कोटेशन है कि इट्स नॉट फेथ इन टेक्नोलॉजी, इट्स फेथ इन पीपल। जो सोशल मीडिया या जो भी इंटरनेट इस समय चल रहा है, ये लोगों में विश्वास को बताया है स्टीव जॉब्स ने। अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत पुराना कोटेशन है, इट हैज बिकम अपेलिंगली ऑब्वियस दैट आवर टेक्नोलॉजी हैज एक्सीडेड आवर ह्यूमैनिटी। तो ये सारे कोटेशंस का आप यूज कर सकते हैं, डेटा का यूज कर सकते हैं, और भी जो चीजें होंगी और भी कंटेंट जो होंगे, ये मैंने एक फॉर्मेट दिखा दिया क्योंकि लिख नहीं पा रहे थे बहुत सारे लोग, तो आप पहले कुछ भी लिख के भेजिए, एक बना दिया, इसलिए मैंने करंट से रिलेटेड सारे जो भी ऐसे दिए थे, करंट से रिलेटेड दिए थे कि उसमें आयाम आपको बहुत सारे पता होंगे। मित्रों अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।